अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको सोहांजने का अचार बनाने की तरकीब बताते हैं। ये हमने रात को काट के नमक लगा के रख दिया था और अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर दिया। नमक इसमें अच्छी तरह रच बच गया हुआ है। अब हम इसको अगला स्टेप बनाना सिखाते हैं आपको। इसको सरसों के तेल में फ्राई करना है और फिर मसाले डालने हैं। हम अब आपको मसाले दिखाते हैं। ये हमने कुछ मसाले लिए हैं जो हम आधे ग्राइंड करेंगे और आधे हम ऐसे ही साबुत ही डाल देंगे, जिसमें ये देखें नमक है, हल्दी है, मिर्च है, ये एक एक चम्मच है, आधा चम्मच काली मिर्च है और आधा चम्मच जीरा। इसको हम साबुत ही डालेंगे। और अब जो ग्राइंड करने वाले मसाले हैं वो ये नहीं, पहले साबुत वाले दिखा देते हैं। ये वाले इसमें कलौंजी है, राई है, मेथरे हैं, सौंफ है, ये आधी आधी चम्मच है, आधी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा ही है। इन सबको हम साबुत डालेंगे। और ये जो ये वाले हैं, काली मिर्च है, मेथी दाना है, सौंफ है, जीरा है और थोड़ी सी राई है, इन सबको हम मिक्स करके ग्राइंडर में फिर इनको साथ डाल देंगे। और ये सब मसाले मिक्स करके तो इनके हम सुहांजने की मूलियों में डालेंगे और हमारा अचार तैयार हो जाएगा। पैन के नीचे जलाई हमने आग और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम ऑयल। ऑयल हम अब ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, फिलहाल 2 कप लगा लें, 2 कप ऑयल डालेंगे। ये सरसों का ऑयल है, हम ये डालेंगे 2 कप भर के और इसके अंदर हम अब सुहांजना डाल के इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से तेज़ आंच पे पकाएंगे। ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर डालेंगे सुहांजना और इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। आग हल्की हल्की पे नहीं पकाना, तेज़ आग पे पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं पकाना। ये हमें 1 मिनट हो गया ऊपर नीचे करते हुए, अभी हमें 2 मिनट और करना है और तेज़ आंच पे करना है। ये बात आपने याद रखनी है, हल्की आंच बिल्कुल नहीं रखनी। इसके अंदर हमने पहले ही नमक लगाया हुआ है, एक रात छोड़ा था इसको, थोड़ा सा पानी जो निकला था वो हमने फेंक दिया, ज़्यादा नहीं निकला। अब 2-3 मिनट करके फिर हम ठंडा करके थोड़े पहले मसाले डालेंगे फिर इसको ठंडा करेंगे। सुहांजना जो है शुगर के मरीजों के लिए बहुत बेहतरीन है, ये गुर्दे की जो भी तकलीफ है उसको दूर करता है, साफ शफाफ कर देता है गुर्दों को इसके खाने से, जैसे बिल्कुल छोटे बच्चों के होते हैं ना साफ सुथरे, हर तरह की तकलीफ को दूर करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप भी ये बनाएं, बहुत इजी है, बना के रख दें 2-3 किलो बस बहुत है। मेरा 1.5-2 किलो है, 1.5-2 किलो, इसको अच्छी तरह से 2-3 मिनट पकाना है। पकाने के बाद फिर इसमें जो खड़े मसाले पिसे मसाले थे ना वो डालेंगे। अभी हम मसाला साथ साथ पीस लेते हैं, ये जो खड़े मसाले थे हम ये पीस रहे हैं। ले जी, अब हम डालेंगे जो हमने पिसे हुए मसाले डाले थे, अभी हमारा चूल्हा ऑन है, बंद नहीं किया हुआ। फिर हम डालेंगे सारे खड़े मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, राई, मेथरे, जीरा, सूखा धनिया, हर चीज़ डाल के इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, एक आध हाथ हल्के हाथ से मिक्स करके अच्छी तरह। थोड़ी सी हम इसमें दड़ा मिर्च डाल लेते हैं, वो भी कलर अच्छा लगता है उससे। ये थोड़ी सी हम दड़ा मिर्च डाल देते हैं इसमें, थोड़ा कलर अच्छा बन जाएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं, अब चूल्हा करते हैं बंद और इसको हला देते हैं अच्छी तरह से। अब ये ठंडा होगा ना जब, तब हमने इसमें और ऑयल डालना है, इसको जार में बंद करना है और मज़ेदार सा सुहांजने का अचार तैयार है। लो जी, कोई मुश्किल है इसमें, फटाफट लें जी। हमारा सुहांजना तैयार हो गया है जिसको मोरिंगा भी बोलते हैं। अब हमने इसको इस जार में शिफ्ट कर दिया है, ठंडा होने के बाद हमने किया है। जब अच्छी तरह ठंडा हो जाए फिर इसके अंदर डाल के आप भर लें और इसके ऊपर से ऑयल फुल कर दें। ऑयल मैंने अभी गर्म थोड़ा सा किया है, वो ठंडा होगा फिर मैं ऑयल डाल दूंगी इसके अंदर। अब हम इसके अंदर जब ठंडा हो जाए अच्छी तरह फिर इसके अंदर हम डालेंगे सिरका, सिर्फ 2-3 चम्मच डालनी है, ज़्यादा नहीं डालना। सिरका डाल देंगे, बस इतना ही।
और इसके बाद इसको मलमल के कपड़े से ऊपर से हमने लपेट देना है। इसको ऊपर से एयर टाइट नहीं करना, इसे जो इसकी वो थोड़ी होगी ना नमी वो बाहर आएगी, नहीं तो ये फंगस लग जाता है। इसको देखें अभी ऑयल ऊपर नहीं है, जब ऑयल फुल कर देंगे तो बस फिर हमारा अचार लंबे देर तक चलेगा। इसको सोहांजना और इंग्लिश में इसको मुरिंगा कहते हैं। इसके पत्तों का भी मैंने बनाया हुआ है एक प्रोग्राम तैयार किया हुआ, वो भी ज़रूर देखिएगा। लें जी खाए और इंजॉय करें हमारे सोहांजने का अचार, बहुत ही मज़ेदार लजीज सा अचार। अल्लाह हाफिज़।